महानगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में विद्युत व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया। कमेटी के चौमुखा पुल स्थित कार्यालय पर आयोजित बैठक में भारी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मुख्य रूप से विद्युत व्यवस्था पर अपना गहरा रोष प्रकट किया। बैठक में विद्युत व्यवस्था के खिलाफ आगामी 16 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाले जाने का निर्णय भी लिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन चुनावों की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा निर्देश देने पहुंचे महानगर कांग्रेस चुनाव प्रभारी के समक्ष कांग्रेस जन ने केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिजन्स के हित में यहां क्रेडिट कार्ड योजना में धांधलियों के मुद्दे को एक स्वर में उठाया और पंजाब नेशनल बैंक पर भी निशाना साधा। बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव कमेटी के CRO व पूर्व विधायक चमनलाल चमन ने कहा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने महानगर की समस्याओं के बारे में, मक्खी मच्छरों, गंदगी, प्रदूषण, बिजली और लोन के बारे में जो समस्याएं व्यक्त की हैं, मैं उनका खेद व्यक्त करते हुए आपसे यह अनुरोध करता हूं कि जो इन समस्याओं के निर्माण करने वाले हैं, लिखी समस्याएं हैं, आप भी चुनाव के दौरान बिजली की समस्या दे करके जिससे उसे पता चले कि मैं किस रास्ते पर चल रही हूँ। उसने दलितों का शोषण किया है, मैं दलितों से अनुरोध करता हूँ कि दलित लोग मिल करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, तो आपका रास्ता बदलेगा, आपकी तकदीर बदलेगा, आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। बैठक में असलम खुर्शीद, फूल कुंवर, मुमताजुल हक कुरैशी, सिद्दीक कुरैशी, मोहसिन मुख्तार, अनूप दुबे, शकील चौधरी, विवेक गुप्ता, सरिता गुप्ता, गयूर अंसारी, फहीम खां, हनीफ खां, अहमद खां और कमर सलीम सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।